नूह जिले के फिरोजपुर झिरका थाना क्षेत्र के गांव रीगढ़ में पलवल के एक डॉक्टर से जमीन दिलाने के नाम पर 27 लाख रुपए की लूट करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि आरोपित बदमाशों ने पीड़ित को रीगढ़ बुलाकर उससे हथियार के बल पर लूट की और मौके से फरार हो गए। पुलिस को पीड़ित ने दी शिकायत में डॉक्टर की शिकायत पर 5 बदमाशों के विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपितों की तलाश में राजस्थान के कई इलाकों में दबिश दी और 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपितों में 2 राजस्थान के रहने वाले हैं, जबकि एक फिरोजपुर झिरका थाना क्षेत्र के गांव दोहा का रहने वाला है। पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपितों से पुलिस मामले के संदर्भ में पूछताछ में जुटी है। थाना प्रबंधक फिरोजपुर झिरका इंस्पेक्टर अरविंद कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि श्याम सुंदर ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि वे पलवल में एक अपनी क्लिनिक चलाता है। उसे गांव बेला जिला भरतपुर निवासी आरोपित अकबर और राकेश के कहने पर गांव रीगढ़ में 7 बीघा जमीन का सौदा 2,70,00,000 रुपए में किया था। जिस जमीन का सौदा किया था उसके लिए वे आरोपितों से कई बार मिल चुका था। तय सौदे के अनुसार आरोपितों को कुल रकम में से उसे 10% देना तय हुआ था। मंगलवार को आरोपितों ने फोन कर बताया कि वे जमीन का एग्रीमेंट कराने के लिए रीगढ़ आ जाएं। आरोपितों के कहने पर वे एग्रीमेंट या पैसा यानी 26,80,000 रुपए लेकर उनके बताए स्थान पर अन्य साथियों के संग आ गया, जबकि 20,000 की रकम को अकबर के खाते से पहले ही ट्रांसफर कर चुका था। 20,000 की ये राशि उसे बतौर बयाना अकबर को दी थी। जब वो निर्माणाधीन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर पहुंचे तो उन्होंने अकबर को फोन कर बताया कि वे उनके बताए हुए स्थान पर पहुंच गए हैं। फोन करने के बाद तीनों मोटरसाइकिल पर आरोपित आए। अकबर ने उनके हाथ से रुपयों से भरे बैग को छीना, जबकि दूसरे बदमाश ने उसकी तरफ कट्टा निकालकर तान दिया और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोपित उनके साथ मारपीट कर उनसे पैसे लूटकर रीगढ़ की ओर फरार हो गए। थाना प्रबंधक अरविंद कुमार ने बताया कि घटना के बाद से ही पुलिस आरोपितों के पीछे लग गई। इस संदर्भ में राजस्थान व थाना क्षेत्र के कई गाँव में दबिश दी गई। मामले से जुड़े तीनों आरोपितों को दबोच लिया। प्रबंधक ने बताया कि पुलिस ने लूटपाट के मामले में राकेश डालचंद और शकरुल्ला नाम के बदमाश को गिरफ्तार किया है। राकेश बेला थाना सीकरी व डालचंद गांव दोहा थाना फिरोजपुर झिरका और शकरुल्ला गांव सरेटा थाना तिजारा अलवर का रहने वाला है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपितों से इनके अन्य साथियों के बारे में गहनता से पूछताछ की जा रही है। वहीं आरोपितों को माननीय अदालत के समक्ष पेश कर पुलिस रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है, ताकि आरोपियों से लूटे गए पैसों की बरामदगी की जा सके। वहीं हम आपको बता दें कि फिरोजपुर झिरका थाना अंतर्गत ये कोई नया मामला नहीं है, बल्कि नकली पुलिस बन बलोरो गाड़ी में बदमाशों ने एक डंपर वारदात को अंजाम दिया था। हालांकि फिरोजपुर झिरका थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अरविंद कुमार की टीम ने चंद ही घंटों में जहां आरोपितों को भी गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता प्राप्त की, ऐसे में गाड़ी हाईवा डंपर को भी बरामद कर लिया था। वही थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अरविंद कुमार को जैसे ही 27 लाख रुपए की लूट होने की खबर मिली तो तुरंत मौके पर पहुंचे, जहां मौके का मुआयना किया। ऐसे में बदमाशों का पीछा करते हुए राजस्थान में कई गांवों में पुलिस द्वारा लगातार दबिश दी गई और 3 आरोपियों को पुलिस द्वारा बड़ी मुस्तैदी के साथ में और त्वरित कार्रवाई करते हुए महज कुछ ही घंटों बाद गिरफ्तार कर लिया। वही थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अरविंद कुमार की टीम द्वारा बड़ा ही सराहनीय कार्य किया गया।